दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही ओडीआई मुकाबले में धमाकेदार डेब्यू करने वाले कृणाल पांड्या ने हर किसी को हैरान कर दिया है। लंबे समय से टीम इंडिया में एंट्री का इंतजार कर रहे कृणाल पांड्या ने अपने पहले ही ओडीआई मैच में कमाल का खेल दिखाते हुए सिर्फ 26 बॉल्स पर 50 ठोक डाले, जो कि एक रिकॉर्ड है। और आज की इस लाइफ स्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे कृणाल पांड्या के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप कृणाल पांड्या के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 24 मार्च 1991 को जन्म लिया था कृणाल पांड्या ने, और बेहद साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कृणाल को बचपन से ही खेल कूद का बेहद शौक था। इनका मन पढ़ाई लिखाई में कम और क्रिकेट में ज्यादा लगता था। इनफैक्ट कई इंटरव्यूज में इनके छोटे भाई हार्दिक ने कहा कि कृणाल मुझसे अच्छे क्रिकेटर हैं। इन्होंने अपने जीवन में बेहद संघर्ष करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई है। कृणाल पेशे से क्रिकेटर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कृणाल के कैरियर के बारे में। इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू ओडीआई मैच में इतिहास रचने वाले कृणाल मैच से पहले और मैच के बाद दोनों वक्त भावुक नजर आए थे। वो अपने पिता को याद कर रहे थे जिन्हें उन्होंने हाल ही में खोया है। जीत के बाद उन्होंने अपनी इस पारी को अपने पिता के नाम किया और इंटरव्यू में बताया कि मैच के दौरान मेरे पिता मेरे साथ ही थे। भारतीय क्रिकेट टीम में 9 साल बाद ऐसा मौका आया जब दो भाइयों की जोड़ी ने एक साथ टीम में धमाल मचाया हो। दोनों भाई आज भारतीय क्रिकेट टीम में जाना माना नाम है और इसके पीछे इनके पिता का अहम योगदान है। यही कारण है कि दोनों अपनी कामयाबी के पीछे पिता के संघर्षों को हमेशा श्रेय देते हैं और उनकी अहमियत को जानते हैं। पिता के सैक्रिफाइस को देखते हुए दोनों बेटों ने भी खूब मेहनत और संघर्ष किया। इस साल 16 जनवरी को कृणाल और हार्दिक ने अपने पिता को खो दिया था। सुबह सुबह दिल का दौरा पड़ने से हिमांशु पांड्या की मौत हो गई थी। पिता के निधन की खबर सुनकर दोनों क्रिकेटर्स के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पिता के संघर्षों का इनाम भी मिला इन दोनों भाइयों को आईपीएल में खेलकर। पांड्या भले ही आज अपने स्टाइल स्टेटमेंट बिंदास और आलीशान के लिए मशहूर हैं, लेकिन कभी इस खिलाड़ी ने जीवन में बेहद कठिन दौर भी देखे हैं। गुजरात के इस ऑलराउंडर को आईपीएल से पहचान मिली और जैसे ही उन्हें डोमेस्टिक में मौका मिला उन्होंने इसे दोनों हाथों से लपक लिया। कृणाल T20 टीम में पहले ही डेब्यू कर चुके हैं और अब उन्हें ओडीआई में मौका मिला है, जिसे उन्होंने साबित भी किया है। स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ विस्फोटर पारी खेलने में सक्षम कृणाल से पहले छोटे भाई हार्दिक टीम में पहले ही अपनी जगह बना चुके हैं और विश्व में सक्रिय ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शामिल हैं। कृणाल और हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या गुजरात के सूरत में फाइनेंस का व्यापार करते थे। हिमांशु पांड्या क्रिकेट के बड़े दीवाने थे और अपने दोनों बेटों को मैच दिखाने के लिए ले जाया करते थे। यहीं से हार्दिक और कृणाल को क्रिकेटर्स बनने की प्रेरणा मिली। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से हिमांशु ने अपने बेटों को बड़ौदा के किरण मौर्य क्रिकेट एकेडमी में भेजा, जहां से दोनों के क्रिकेटर बनने की यात्रा शुरू हो गई थी। एक चैनल से बात करते हुए कृणाल ने खुलासा किया था कि वो 10th क्लास में 3 बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर बाद में कॉलेज भी पास किया। पैसों की तंगी के चलते कृणाल को काफी संघर्ष करना पड़ा। स्पीड पोस्ट में सरकारी नौकरी के ट्रायल के लिए लेटर भी आया था। उस दिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए ट्रायल मैच था, तब कृणाल ने सरकारी नौकरी का लेटर फाड़ दिया और धमाकेदार खेल दिखाया और बड़ौदा की टीम में शामिल हो गए। जिस अंदाज में कृणाल ने अपने ओडीआई कैरियर का आगाज किया है, उम्मीद तो यही है कि आने वाले कुछ सालों में कृणाल इस तरीके का ही खेल दिखाते रहेंगे। दोस्तों कई लोगों का कहना है कि कृणाल हार्दिक से अच्छे क्रिकेटर है, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। इनके पिता का नाम है हिमांशु पांड्या, इनकी माँ का नाम है नलिनी पांड्या, इनके भाई का नाम है हार्दिक पांड्या, इनकी पत्नी का नाम है पंखुड़ी शर्मा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कृणाल की इनकम की। कृणाल एक T20 मैच के 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वे एक टेस्ट मैच खेलने के 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इनकी ओडीआई मैच की फीस है 3 लाख रुपए। कृणाल एक आईपीएल सीजन के 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। कृणाल किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट के 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। 2021 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 50 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कृणाल के घर की। कृणाल के पास मुंबई में एक शानदार बंगलो है जिसमें वे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और इनके इस घर की कीमत है 20 करोड़ रुपए। और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कृणाल की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक BMW X6 स्पोर्ट्स है जिसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपए। इसके अलावा कृणाल के पास एक ऑडी Q7 भी है जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी कृणाल पांड्या की लाइफस्टाइल वीडियो।
अगर आप कुणाल के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस क्रिकेटर पर देखना चाहते हैं आप। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.